जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 30। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 times। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 heads, 5 tails, 5 heads, 1 head, एट लीस्ट 4 heads, एट मोस्ट 2 heads। अब आपने ये वाला क्वेश्चन, एक आपके पास एक कॉइन है, एक फेयर कॉइन है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आपने उस कॉइन को 5 दफ़ा टॉस करना है, ठीक है। 1 time, 2 time, 5 दफ़ा टॉस करना है, यानी कि 5 trials होंगे। कितने ट्रायल्स होंगे? 5 trials। स्मॉल एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो आपने ये पहले 3 head की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर 5। आपने यूँ नहीं करना ये क्वेश्चन ऐसे। तो अगर ये आपको ये वाले प्रोबेबिलिटीज़ ना दी गई, गिवन ना होती, तो फिर आप करते x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाते, ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए कौन कौन सी करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन फार्मूला ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स एन एक्स पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स इक्वेशन 1। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एन सी एक्स, जैसे कि कैलकुलेटर पे ये देखें सी शो होता है, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एन क्या है, 5 है, देखिए 5 टॉस 5 times, हमने कॉइन को 5 दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है, उसको टॉस किया है। पी की वैल्यू और क्या है 1/2, इस तरह क्यू की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। एक्स क्या है, ये हर दफ़ा, ये ज़रूरी नहीं कि 1/2 आएगी। आपके पास पी की वैल्यू कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है 0.75, तो आपके पास क्यू की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 1/2 नहीं आएगी। आपने इस फार्मूले में पुट करके देखना है, ठीक है, इस फार्मूले में, देन आपके पास आपको पता चल जाएगा आपकी क्या वैल्यू आती है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल, अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, नंबर 1 थ्री हेड्स। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, हमारा अभी रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, 3 है, ठीक है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, 3 head, यानी कि अब आप ये भी देखें स्टूडेंट के ये क्वेश्चन वैसे लेंथी है, यहाँ पे आपके पास कितनी सैम्पल स्पेस बन रही है, 5। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया ना, देखें जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं ना तो एक ही टाइम पे, तो आपके पास 2 sample space बनती हैं। जब आप 2 coin करते हैं 4 sample space, जब आप 3 coin करते हैं तो आपके पास 8 sample space बनते हैं, 8 sample space नहीं, 8 outcomes आते हैं सैम्पल, एक सैम्पल स्पेस में 8 outcomes आते हैं, ठीक है। तो 2 coins के लिए, 2 times के लिए जब आप एक कॉइन को 2 times टॉस करते हैं तो आपके पास 4 outcomes आते हैं। इस तरह आपने अगर 5 time टॉस किया, 5 coins को एक बार टॉस किया, 5 coins को एक बार, या 5 या एक कॉइन को 5 times टॉस किया, तो आपके पास 32 आने चाहिए। कितनी आती हैं, 32 आएंगी सैम्पल स्पेस, सॉरी आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, 32 आएंगे। यहाँ पे देखें, देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता दी 2 raised to power 5, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या थे, 5, 2 coin की साइड्स हैं, तो ये देखें 32 outcomes आ जाते हैं। लेकिन वो 32 outcome बनाना एक दफ़ा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वो मैंने सेपरेट आपको करके बताए हैं, ठीक है, उस तरह बंदे को समझ भी आ जाती है। अगर इसी तरह आपको कभी सैम्पल स्पेस बनानी पड़ जाए तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, बायनोमियल मेथड यूज़ करना हो तो फिर आपको ईजीली हो जाता है। यहाँ पर एक्स की, एक्स रैंडम वेरिएबल ऑफ 3 heads, हमने 3 heads फाइंड करने, ऐसे आउटकम फाइंड करने हैं, ऐसे आउटकम्स कि जिस, मतलब ऐसे 3 heads ऐसे आउटकम जिनमें 3 heads हैं, 3 heads हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ठीक है। तो कितने आउटकम्स हैं ये भी हमें पता चल जाएगा, कितने आउटकम्स हैं 32 में से। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 3, एन की वैल्यू क्या है, 5, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1/2 ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉइन की बात हो रही है और वो 5 times हमने टॉस किया है। अगर हम थेरेटिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर 5 coins भी लिए जाएंगे तो हमने उसको 1/2 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ 3 एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स एफ ऑफ 3 5 3 1/2, यहाँ पे एन की जगह 5, एक्स 3 1/2, और एक्स की वैल्यू क्या थी, 3, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 क्यों है कि हम 3 heads को फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यू 1/2, और एन हमारे पास क्या है, 5, और यहाँ पे एक्स 3
फाइव थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखिए फाइव थ्री की वैल्यू कैलकुलेटर के 10 आई है, क्या ये 10। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से शॉर्ट करके बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रहा, बस सॉरी, ये यहाँ पे देखिए आप हमारे पास है 5, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स 5 हमारे पास इसलिए कि n इक्वल टू 5 है, हमने एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेस किया है ये डिवाइड का बटन एन सी और यहाँ पे 3 का बटन, तो हमारे पास आ जाते हैं 10। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 5 फैक्टोरियल, हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल की मैंने आपको ओपन करना सिखाया था, 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, बैक जाएंगे 5.4.3.2 फैक्टोरियल। अब भी मैंने इसको 2 फैक्टोरियल पे क्यों एंड किया है, क्योंकि देखिए 5-3 2 आता है, 5-3 2, तो मैंने 2 फैक्टोरियल पे इसको ऊपर एंड किया है। जो यहाँ पे इसको हम अक्सर यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना ऊपर वाले फैक्टोरियल को उस तक जाके एंड करते हैं, और जहाँ पे एंड करेंगे उसके साथ फैक्टोरियल का सिंबल आएगा। अब यहाँ पे देखें डॉट आएगा, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, इसलिए 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर देते हैं, 3.2.1 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 टाइम 4 से कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे बच गया और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर। अब 5 आ गया, 5 रह गया और ये वाला 2, 5.2. और ये हमारे पास देखिए बेसिस सेम थी और ये माइनस होकर 2 आया, तो बेसिस सेम थी, 3+2 5। अब यहाँ पे 1/2 5 32 आ गया और 10 उससे मल्टीप्लाई नोमिनेटर से हो गया 10/32। अब इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास 32 आउटकम्स आए हैं, 32 एक कॉइन को जब 5 दफ़ा टॉस किए तो 32 आउटकम्स आते हैं, 32 आउटकम में से 10 आउटकम ऐसे हैं जिनमें 3 हेड्स हैं। देखिए 32 आउटकम, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 मेंशन किए, टोटल 32 आउटकम्स हैं, ठीक है। सारे एक बहुत ज़्यादा फिर काम हो जाता है तो सेपरेट मैंने लिखे हैं, आपको पता चल जाएगा, आप उसको कम्बाइन कर लीजिएगा, 32 बन जाएंगे, और आप खुद भी बना सकती हैं ना, आपको खुद भी आना चाहिए। 32 आउटकम से देखें ये 10 आउटकम्स है, 1, 2, 3। ये देखें पहले तो डेफिनेटली जब एक कॉइन होता था तो सिर्फ एक हेड और एक टेल होता था, जब दो थे तो दो हेड टेल दो के पेयर में आता था, जब 3 था तो 3 के पेयर में आता था, ठीक है। 3 कॉइन्स के लिए भी आपके पास सैम्पल स्पेस बनी हुई है। अभी यहाँ पे देखें 5 है, तो हमने एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया, तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 के पेयर्स में आएगा, ठीक है। और 3 हेड देखें इसमें कितने, 3 हेड है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सिर्फ पोजीशंस चेंज है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेयर्स पूरे हैं। इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स दैट देयर आर टेन आउटकम्स और पेयर्स फ्रॉम 32 आउटकम विच हैव 3 हेड्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 3 हेड्स इन टॉसिंग द फेयर कॉइन 5 टाइम इज इक्वल टू 10/32।